हेलो दोस्तों, मैं अभिनव नेगी आपका गेट गुरु के मन से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आज आपके सामने हाईवे का एक टॉपिक स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस करने जा रहा हूं। मेरे दोस्तों, बस आप 20 मिनट इस वीडियो को देख लो और उसके बाद स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ओके, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को मैं इस पूरी वीडियो में, मेरे भाइयों, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को मैं इस पूरी वीडियो में आगे एसएसडी नाम से बोलूंगा। एसएसडी क्या होता है, एसएसडी क्यों होता है, कैसे होता है, सब अब आज हम पढ़ेंगे। तो मेरे भाई, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का मतलब होता है कि यदि कोई गाड़ी चल रही है और आगे मैंने देखा बच्चा रोड क्रॉस कर रहा है या पेड़ गिरा हुआ है, तो मेरे को ब्रेक मारना है। तो अगर मेरी गाड़ी चल रही थी और आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, बच्चा रोड क्रॉस कर रहा है, पेड़ गिर रहा है, तो मैं ब्रेक मारूंगा, तो कितनी देर बाद रुकूंगा, इसको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मेरे दोस्तों, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कहते हैं कि यदि कोई गाड़ी चल रही है और आगे उसने देखा कि ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको आगे ब्रेक मारना पड़ेगा, नहीं तो आगे पेड़ गिरा हुआ है, बच्चा रोड क्रॉस कर रहा है, तो कितनी दूरी वो तय करेगा जब तक वो ब्रेक मार रहा है और जीरो स्पीड पे आ रहा है, उसको स्टॉपिंग डिस्टेंस या स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कहते हैं। अच्छा मेरे भाई, ड्राइव करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम क्यों निकालना चाहते हैं, कितनी देर में गाड़ी रुकेगा, हम क्यों निकालना चाह रहे हैं भाई। 20 मीटर में रुकोगे, 70 मीटर में रुकेगा, 100 मीटर में रुकोगा, हम क्यों निकालना चाह रहे हैं। तो मेरे भाई इधर देखना, मेरे पास सपोज कोई एक रोड है, ये एक रोड है मेरे पास और ये चढ़ाई नहीं है मेरे भाई, चढ़ाई नहीं है, हॉरिजॉन्टल कर्व है, ठीक है, एक ही प्लेन पे, मतलब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का एलिवेशन सेम है, हाइट सेम है, चढ़ाई नहीं है। ओके, तो मेरे पास यहाँ से कोई गाड़ी जा रही है, सपोज ऐसे मजे से गाड़ी जा रही है, और मेरे पास यहाँ पे आगे मेरे पास गाड़ी जा रही है और यहाँ पे मेरे पास पेड़ गिरा हुआ है रोड पे, तूफान आया था, पेड़ गिर गया रोड पे भाई, पेड़ गिर गया रोड पे। अच्छा, तो मेरे पास अगर ये गाड़ी जा रही है और ये मेरे पास वहाँ पे पेड़ गिरा हुआ है, और सपोज मेरे पास यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स भी हैं, ऐसे बिल्डिंग्स हैं, ओके ये मेरे पास बिल्डिंग्स हैं, तो अगर ये गाड़ी जा रही है तो अभी ये पेड़ को नहीं देख पाएगी। अगर ये गाड़ी जा रही है यहाँ पे तो वो अभी पेड़ को नहीं देख पाएगी क्योंकि इधर तो बिल्डिंग है। तो गाड़ी वाले मस्ती से जा रहा है भाई, गाना चल रहा है गाड़ी में, जादू है, नशा है, बढ़िया मस्ती से जा रहा है। अब जैसे ही वो गाड़ी वाला इस ए पोजिशन से छोड़ के वो गाड़ी वाला मेरे पास इस ए डैश पोजिशन पे पहुंचा, ए पोजिशन पे था तो उसे गाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी, जैसे ही वो ए डैश पोजिशन पे पहुंचा तो इसने फर्स्ट टाइम देखा, अरे यार बाप रे बाप, आगे तो पेड़ है, माय गॉड, अगर मैं चलता रहा तो पेड़ से एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जब वो ए पोजिशन पे था तब तो पेड़ नहीं देख पा रहा था, अब वो ए डैश पोजिशन पे पहुंचा तो उसने देखा आगे पेड़ है, तो उसे ब्रेक मारना पड़ेगा। और सपोज ऐसी बता रहा हूँ, ड्राइव तो बाद में करके भाई, ऐसी बता रहा हूँ, सपोज एसएसडी मतलब रुकने में उसको जो दूरी लगती है, सपोज मैं मान लेता हूँ 100 मीटर है, और मेरे भाई सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है 70 मीटर, मतलब जब उसे पेड़ पहली बार दिखा, यहाँ तो दिखा नहीं था पेड़, जब उसे पेड़ पहली बार दिखा तो वो दूरी थी 70 मीटर और उसे रुकने में दूरी लगती थी 100 मीटर, तो वो 70 मीटर में तो रुक नहीं पाएगा तो पेड़ से एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये केस तो अच्छा नहीं हुआ, ये रोड तो अच्छी नहीं हुई। तो इसी के विपरीत, इसी के अपोजिट दोस्तों, अगर मेरे पास ये दूरी 70 मीटर नहीं, ये 120 मीटर होती, तो इस ड्राइवर को जब पहली बार ये पेड़ दिखाई दिया रोड पे गिरा हुआ, तो ये था 120 मीटर। और सपोज मान रहा हूं, ड्राइव तो बाद में करूंगा मेरे भाई, सपोज एसएसडी मतलब रुकने में उसको दूरी लगती है 100 मीटर, जीरो स्पीड आने में उसे दूरी लगती है 100 मीटर, तो उसको ये डिस्टेंस थी 120 मीटर और रुकने में उसे दूरी लगती है 100 मीटर, तो 120 मीटर बाद पेड़ गिरा हुआ है, 120 मीटर बाद पेड़ गिरा हुआ है, तो वो तो 100 मीटर में ही रुक सकता है ना, तो वो पहले ही रुक जाएगा ना, तो पहले ही रुक जाएगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे रोड में हर पॉइंट में, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे रोड में हर पॉइंट पे हमको इतना दिखाई देना चाहिए कि एसएसडी से वो जो दिखाई दे रहा है वो ज़्यादा हो, मतलब हमें दिखाई ज़्यादा दे और हम रुक पहले पाएँ, हमें दिखाई ज़्यादा दे और हम रुक पहले पाएँ, तो हमके हमारे पास
हमारे पास हर पॉइंट पे इतना साइड डिस्टेंस होना चाहिए, इतना दिखाई देना चाहिए कि वो SSD से क्या हो, ज्यादा हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे मेरे भाई, हम सबसे पहले SSD निकालेंगे और जो भी वो वैल्यू आएगी उस रोड के लिए, जो भी वो वैल्यू आएगी उस रोड के लिए हमको दिखाई क्या देना चाहिए, उससे ज्यादा, इस तरीके से रोड बनाएंगे। तो SSD निकाल लेते हैं मेरे भाई। अभी तो 100 मीटर ऐसे ही बोला था ना यार, ये तो ऐसे एग्जाम्पल दिया था ना यार, ड्राइव कर लेते हैं। ओके तो मेरे पास इसको ड्राइव करते हैं। मेरे पास ये है ऐसे एक गाड़ी है। अच्छा सुनो, मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ ना, हर चीज SI यूनिट में है। SI यूनिट में मतलब वेलोसिटी बोलूँगा तो किलोमीटर पर आवर में नहीं, मीटर पर सेकंड में। टाइम है सेकंड में, ग्रेविटी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, हर चीज़ SI यूनिट में। सपोज मेरे पास ये गाड़ी जा रही है V स्पीड से, ठीक है, मीटर पर सेकंड में है भाई, और इसको अब मैं निकालना चाहता हूँ कितनी दूरी में ये रुकेगा। तो ये गाड़ी जा रही है मेरे पास ऐसे, तो वो गाड़ी मेरे पास जैसे उसने देखा कि मेरे भाई आगे पेड़ गिरा हुआ है रोड पे, तो ब्रेक मारेगा, तो ब्रेक मारेगा V स्पीड पे चल रहा है, अब उसमें ब्रेक मारना, आगे पेड़ गिरा हुआ है, तो मेरे भाई कुछ दूरी तक ना वो ब्रेक, जब तो उसके दिमाग में सिग्नल जाता है, और वो उसका ब्रेन अब उसको रिस्पॉन्स देता है कि ब्रेक मारना है, तब तक उसने ब्रेक नहीं मारी, जब तक उसने डिसीजन लेने में टाइम लगा दिया, तो तब तक उसने ब्रेक नहीं मारी, तो तब तक तो उसकी स्पीड वी की वी रही क्योंकि ब्रेक नहीं मारी अभी। इसे कहते हैं लैग डिस्टेंस, जिसको मैं हेयर आफ्टर पूरी वीडियो में LD से दिखाऊंगा। मेरे भाई उसने ब्रेक नहीं मारी, क्यों नहीं मारी, उसको आगे पेड़ दिखाई दिया। अब रजनीकांत थोड़ी नहीं है वो यार, कि ब्रेक उधर पेड़ देखा ब्रेक मार दिया से, तो रजनीकांत थोड़ी नहीं है, उधर उसने देखा कि पेड़ है, तब तक उसके ब्रेन में सिग्नल गया क्या करूं क्या नहीं करूं, ब्रेक ने उसको रिस्पांस दिया कि ब्रेक मार दे बेटा, तब तक उसने ब्रेक नहीं मारी, तो वो थोड़ा आगे चल गया, उसको लैग डिस्टेंस कहता हूं। अब इस पोजीशन के बाद उसने ब्रेक मारी, ब्रेक मारी, और यहां पे जाके उसने ब्रेक मारी और ये हो गया 0। यहां पे ब्रेक मारी, यहां पे इसको कहते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस, जिसको मैं हेयर आफ्टर पूरी वीडियो में L से दिखाऊंगा, ठीक है। तो टोटल उसे रुकने में कितनी दूरी लगी, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस या स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी दूरी लगी उसको रुकने में, लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। ओके, तो लैग डिस्टेंस कितना हो गया, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितनी है वी, टाइम कितना है टी। मेरे भाई कोड ने कहा है, IRC कोड, हमारा इंडियन रोड कांग्रेस कोड होता है हाईवे का, उसने कहा है कि जब तक रिएक्शन टाइम की वैल्यू ना दे रखी हो आपको 2.5 सेकंड लेना है। मतलब अगर क्वेश्चन में आपके रिएक्शन टाइम की वैल्यू ना है, आपको 2.5 सेकंड लेना है, है ना, ये नहीं कि 3 सेकंड क्वेश्चन में आ रखा है गेट में, और नहीं हमारे सोच रहे तो 2.5 बोला था, हम तो 2.5 लेंगे, 3 सेकंड आ रखा है तो 3 लेना है, कुछ नहीं आ रखा है तो 2.5 लेना है, आपको 2.5 आ रखा है तो 2.5 लेना है, ठीक है। ओके, तो लैग डिस्टेंस हो गया वी इंटू टी, टी जब तक नहीं रखो 2.5 सेकंड, इस टी को रिएक्शन टाइम भी बोलते हैं। अच्छा, ये रिएक्शन टाइम ऐसे आपकी मतलब की जरूरत नहीं है, फिर भी बता दूं, ये मेरे पास IRC का 90% रिएक्शन टाइम होता है, मतलब कि ऐसा रिएक्शन टाइम कोड ने लिया जिससे मैक्सिमम ड्राइवर 90% लोग उससे पहले ही ब्रेक लगा देते हैं। ओके, खैर उसका अपन को मतलब नहीं है, लैग डिस्टेंस आ जाओगे वी इंटू टी पे। अब आगे निकालते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस। ओके, मेरे भाई गाड़ी की तरफ फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ मैं, तो मेरे पास ये है गाड़ी, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो इसका वेट लगेगा नीचे, वेट नीचे ही लगता है मेरे ख्याल से ना। ओके, तो वेट नीचे लग रहा है, गाड़ी आगे जा रही है ना मेरे भाई, गाड़ी आगे जा रही है, तो जब ये ब्रेक मारेगा तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे मेरे पास ऐसे, तो ये लगा मेरे पास फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू मैंने कही F क्या होता है, म्यू इनटू N, तो N क्या है इस केस में, वर्टिकल डायरेक्शन में तो नेट, गाड़ी हवा में तो नहीं उड़ रही, तो नेट फोर्स 0 है, तो N इज ऊपर वाली फोर्स इक्वल टू नीचे वाली फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया μmg। तो मेरे पास एक भाई, हमने फार्मूला पढ़ा था बचपन में, और वो फार्मूला क्या था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो लोग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखो ऐसे बोलते हैं, लोग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वो इनफैक्ट बुक वाले भी ऐसे बोलते हैं कि पहले अब ये हाफ एमवी स्क्वायर थी, बाद में 0 हो गई और वर्क डन हो गया फोर्स μmg इनटू डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस लगी ब्रेक लगने के बाद L, है ना। तो मेरे भाई गलत है यार, गलत है वो सब किताबों में ऐसा। ओके, मेरे भाई चेंज क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल नहीं, चेंज होता है
फाइनल, फाइनल क्या है, जब रुक गई जीरो, इनिशियल क्या था हाफ एम वी स्क्वायर ऐसा, और वर्क डन फोर्स इनटू डिस्टेंस नहीं होता है, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्टेंस नहीं होता है, वर्क डन होता है एफ डॉट डी, फोर्स इनटू डिस्टेंस इनटू कॉस थीटा। तो फोर्स कितना है म्यू एम जी, डिस्टेंस कितना है एल, और इनके बीच में कॉस थीटा कितना है बेटा, फोर्स पीछे लग रहा है फ्रिक्शन, गाड़ी आगे जा रही है, फोर्स पीछे गाड़ी आगे, फोर्स पीछे गाड़ी आगे, फोर्स पीछे गाड़ी आगे, फोर्स पीछे गाड़ी आगे, कितना कॉस है 180, और कॉस 180 माइनस में होता है, माइनस माइनस को मार दिया, ओके। और बेटा इन दोनों का वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि फोर्स ऐसा डिस्टेंस आगे 90 डिग्री बनाएगा, तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा, फोर्स ऐसा डिस्टेंस आगा, डिस्टेंस आगे कॉस 90 जीरो, तो इनका वर्क डन नहीं होगा। तो यहां से एम ने एम को मार दिया, एल इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2 म्यू जी आ गया, ओके। तो लैग डिस्टेंस इतना, ब्रेकिंग डिस्टेंस इतना, और सुनो छोड़ो यार इसकी ऐसी ऐसी है ना, इस दूसरे फॉर्मूले से करते हैं यार, इस बुक वाले फॉर्मूले से नहीं कर रहे। एक बचपन में ऐसा फॉर्मूला देखा होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस, ऐसा इस फॉर्मूले से करते हैं। तो एक्सेलरेशन कितनी है पीछे, फोर्स कितनी लग रही है म्यू एम जी, तो एक्सेलरेशन क्या होती है फोर्स बाय मास, फोर्स बाय मास, फोर्स लग रही है इतनी, मास इतना, तो म्यू जी, और ब्रेक लगने पे एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव होगी बेटा, ब्रेक गाड़ी स्पीड रुकेगी ना। तो फाइनल स्पीड कितनी होगी जीरो, इनिशियल वी स्क्वायर टू ए कितना है माइनस म्यू जी, डिस्टेंस कितनी है एल, तो एल कितना आ गया वी स्क्वायर बाय टू म्यू जी, तो एस एस डी कितना हो जाएगा वी टी प्लस वी स्क्वायर बाय टू म्यू जी। हर चीज किसमें है, हर चीज किसमें है ऐसा यूनिट में, मीटर पर सेकेंड, टाइम सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी के लिए इतना एस एस डी होगा, वी हम रखते हैं डिजाइन स्पीड। बुक में देखोगे 0.278 लिखा रहता है, वो किलोमीटर पर आवर वाले के लिए फॉर्मूला है मेरे भाई, ठीक है। तो मेरे भाई यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, जितने व्यू होंगे लाइक प्लस अनलाइक इज इक्वल टू व्यू, लाइक करो अनलाइक करो, ओके। थैंक यू मेरे दोस्तों।